एसडीएम पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान। वन रैंक के छात्र छात्राओं का माला पहनाकर किया सम्मान। शिवपुरी में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में कल 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए गए हैं। वहीं शिवपुरी के एसडीएम पब्लिक स्कूल में 10वीं और 12वीं के जो छात्र छात्राएं फर्स्ट रैंक में आए हैं और जिन्होंने कक्षा में टॉप किया है, उन सभी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह रखा गया है। वहीं आज एसडीएम पब्लिक स्कूल में छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। सभी को उनकी मार्कशीट प्रदान कर माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं छात्र छात्राओं ने भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए। क्या नाम है? युवराज सिंह रघुवंशी। कौन सी क्लास में और कौन से स्कूल में? 12वीं क्लास में हूँ, एसडीएम पब्लिक स्कूल। अच्छा, कितनी परसेंटेज आपकी? मेरी 84.7%। अच्छा, ये सर किसको देना चाहोगे आप? इसका सर है, मतलब मैं स्कूल के टीचर्स को देना चाहूँगा जिन्होंने मतलब मेरी मदद करी, मुझको मतलब गाइड करा कैसे पढ़ना है, और पेरेंट्स को देना चाहूँगा, उन्होंने मतलब घर पर मतलब सब कुछ संभाला, काम वगैरह सब कुछ मुझे करने नहीं देते थे, मतलब जिससे मैं और ज़्यादा पढ़ पाऊँ। किस सब्जेक्ट से हुआ? मैं मैथ सब्जेक्ट से। आगे क्या सपना है आपका? आगे तो मतलब अभी इंजीनियर बनना है आगे। पिताजी क्या करते हैं? क्या पिताजी क्या करते हैं? पिताजी मतलब किसान हैं और एक दुकान है हमारी, किसान मतलब जो खेतों में दवाई होती है ना उसकी दुकान है। वहाँ शंकर पर यार जी, कौन सी क्लास में? मैं 10वीं क्लास में। कितना परसेंट है आपकी? मेरी 92.4% है। कैसे कि आपने ये मुकाम हासिल किया? मैं अपना पूरा सिर्फ टीचर और पेरेंट्स को देना चाहूँगा, और सबसे ज़्यादा मुझे जो टीचर थे वो थे अभिषेक सर, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे, उनको मुझ पर पूरा विश्वास था कि मैं अच्छे नंबरों से पास होऊंगा, लेकिन थोड़ी सी कमी रही। किस तरह की कमी? मतलब थोड़ी सी कुछ गलतियाँ हो गई थी मुझमें थियोरी में, तो उनको मैं आगे 12वीं क्लास में सुधारना चाहूँगा। क्या सब्जेक्ट रहेगा आपका, क्या प्लानिंग है 11th में? मेरा मैथ सब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन मुझे UPSC करना है। क्या बननी का? पिताजी वगैरह? पिताजी है मेरे, किसान है। हाँ। क्या नाम है आपका? अंजलि परियार जी। अभी आपने टॉप किया है, किस क्लास में? 12th क्लास में। सब्जेक्ट कौन सा था? एग्रीकल्चर। अच्छा, तो आपने किस तरह से स्कूल देना चाहोगे? मतलब मुझे तो क्लास के टीचर्स और कोचिंग वगैरह जाती थी, अभी शिक्षक सर ने पढ़ाया है 12th में सबसे ज़्यादा। मतलब सुबह था 6 बजे से पढ़ते थे, फिर 8 बजे से कोचिंग वगैरह, फिर शाम को वही। तो आपके पिताजी वगैरह क्या करते हैं? पिताजी तो किसान हैं। कितने भाई बहन हैं? 4। 4 भाई बहन। निजी जमीन है या किसी कैसे करते हैं? निजी है हमारी। कितनी क्या जमीन है? मुझे पता नहीं। आपको? मेरा नाम पल्लवी शर्मा है। कौन सी क्लास में और कौन से स्कूल में? मैं क्लास 10th SDM पब्लिक स्कूल से हूँ। मेरी 10th क्लास में 85% रहा है। इसको श्रेय देना चाहूँगा? मैं अपनी पढ़ाई का श्रेय पेरेंट्स एंड टीचर स्पेशली अभिषेक सर को देना चाहती हूँ। किस तरह से आप मोटिवेशन किया उन्होंने सर ने आपको? वो हमेशा बताते थे अपना गोल सेट करके रहना, जो तुम्हें करना है उसके बारे में, और हमेशा पढ़ाई करते रहना है। सही बोला। आगे क्या सपना है? मेरा आगे सपना है कि मैं फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर ही क्यों बनना चाहती हूँ आप? फ्लाइंग ऑफिसर। फ्लाइंग फैमिली में कोई है या फिर अपना? हाँ, मेरा बड़ा ब्रदर है, वो भी इंडियन एयरफोर्स में है, तो उसी की तरह मेरा भी सपना है कि मैं फ्लाइंग ऑफिसर बनना चाहती हूँ। 11th में क्या कुछ सब्जेक्ट रहेगा? मैं 11th में मैथ से पढ़ूंगी। अभी हाल ही में 10th और 12th का बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ है, आपके यहाँ से कितने 10th में और 12th में कितनी हाई परसेंटेज है? 12th में युवराज सिंह रघुवंशी की 87.4 आई है, और 10th में उमा शंकर है, इसकी 92.4 है। टोटल 10th में कितने बच्चे फर्स्ट रैंक से पास हुए और 12th में? इसमें 15 बच्चे हुए हैं 10th में, और 12th में 12 बच्चे। अच्छा परसेंटेज उनका आया है फर्स्ट डिवीजन से। बाकी बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से उनको पढ़ाई करना चाहिए? बाकी बच्चों को मैं यही चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा तो जो है अनुशासन के लिए दूंगी, कि जो बच्चे कोरोना में अनुशासन गया है उसको जरूर विशेष ध्यान दें। अगर अनुशासन में रहेंगे तो बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे। ये जो बच्चे थे कोरोना के बाद आए थे, पढ़ाई में बहुत वीक थे, लेकिन इनको संभलते संभलते जो है इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया। जो बच्चे बात मानते रहे,
या डायरेक्ट ही सीधे कोचिंग में चले जाते हैं, स्कूल नहीं आते हैं, उन बच्चों का रिजल्ट थोड़ा ज़रूर डाउन जाता है क्योंकि वो सोचते हैं हम कोचिंग से पास हो जाएंगे, कोचिंग में भी बच्चे जा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, वो रिज़ल्ट बनता नहीं है। पेरेंट्स सोचते हैं जा रहे हैं पढ़ रहे हैं, बच्चों से कहते हैं स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, पेरेंट्स ने कह दिया या बच्चों ने माता पिता को बता दिया कि स्कूल में तो पढ़ाई होती नहीं है, जबकि पूरे पीरियड रेगुलर लगते हैं। और प्रत्येक विद्यालय की मैं कहूँगी, प्रत्येक विद्यालय में पूरा टाइमिंग जो दिया जाता है, टीचर्स आते हैं पर पीरियड उनको पढ़ाया जाता है। जो फेल हो जाते हैं और डिप्रेशन में आकर कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं उनसे यही कहूँगी, गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बड़ी नीतियाँ बना रखी हैं कि किसी बच्चे को डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। मार्कशीट जो बताया गया सिर्फ एक ये हमारा एक मूल्यांकन है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ ही बच्चों का रिजल्ट ख़त्म हो जाता है। इसके साथ हमारे पास बहुत सी ऐसी विशेषताएं हैं जो हम कार्य कर सकते हैं, ये हमारी एक योग्यता को, पढ़ाई की योग्यता को नापती है। बाकी इतनी एक्टिविटीज़ हैं, हम किसी भी क्षेत्र में बाहर निकल सकते हैं, ये रिजल्ट हमारा प्रेजेंट का आता है। अच्छा, हाल ही में आपने अभी आज सभी का सम्मान किया है, फर्स्ट टाइम से पास हुए हैं बच्चे, तो किस तरह से आप उनका अनुभव रहा आपके प्रति, आपने समझा कि बच्चों ने किस तरीके से ट्रेकल किया? नहीं, इसके लिए तो मैंने आपको बताया था मेरा रिज़ल्ट 2002 से स्कूल खुला है और इससे भी बहुत अच्छे बच्चे, ये मानिए कि पूरे के पूरे बच्चे फर्स्ट आए हैं, 97 तक गया, मैंने अभी अपनी स्पीच में बोला था। और इस बार जो अध्यक्ष थे उनकी प्रेरणा से कि हमें वो कुछ करना चाहिए, उनकी जयंती ये लिया गया वहाँ निर्णय, जब उनका देवलोक गमन हुआ उसके बाद जो 13 दिन हम लोग वहाँ रहे, उसकी अध्यक्षता में ये निर्णय लिया गया कि जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो ये पहला कदम है। अभी 2 महीने ही उन्हें शांत हुए हुआ है, तो हमने सोचा इस बार इन बच्चों का सम्मान करना चाहिए, जो प्रतिभाशाली हैं वो आगे बढ़ें और विद्यालय भी उनके लिए कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए मैंने किया है। हर साल हम लोग उनको बुलाते थे, करते थे, लेकिन ये सम्मान प्रथम बार किया गया है।